अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, करेंगे देश की बात सच के साथ। अनुभवी आंखें अक्सर समाज का आईना बनकर खबरों का प्रसारण करती है। यही वजह है कि आपके विश्वास पर हम खरा उतरते हैं। आपको बता दें कि जब कुछ खबरें शहरों के लिए खासतौर पर शहरों से जुड़ा होती थी तो अब वह आपके शहरों से भी जुड़ने लगी है, यानी छोटे शहरों से भी। बड़े शहरों की खबरें छोटे शहरों से कैसे जुड़ रही है उसकी एक वानगी आपको इस समाचार में आपको देखने को मिलेगा। आज जो हम खबर आपको दिखा रहे हैं, आप कहेंगे इसमें नया क्या है, लेकिन नई बात यह है कि अक्सर दिल्ली और बड़े शहरों में चेन स्नैचिंग की खबरें हुआ करती थी, लेकिन अब यह बिहार के छोटे छोटे शहर जैसे बनमनखी, मुरलीगंज, जानकी नगर, अगर अन्य जगहों पर भी यह खबरें आम होती जा रही है। दिन दहाड़े एक शिक्षिका से आदर्श मध्य विद्यालय जाते के क्रम में चेन स्नैचिंग कर लिया गया। आपको बता दें कि दो बाइक सवार अज्ञात आरोपी आए और गले से चेन और कान से बाली छीनकर भागते बने। इससे पहले कि शिक्षिका कुछ समझ पाती, चेन स्नैचर अपना काम कर चुका था। देखिए शिक्षिका क्या कुछ कह रही है। मैं स्कूल आ रही थी, हाँ। 9 बजे का टाइम था। यहाँ बैंक से थोड़ा उधर जो है ना, दो लड़का बाइक पर सवार था, वह मेरे सटा के गाड़ी थोड़ा सा रोका, बस चेन खींचा और भागते रहा। कौन सी का चेन था? सोना का चेन। सोना का, कितना का था लमसम? लगभग 75,000 का होगा। 75,000 का। आप देख नहीं पाए, पहचान नहीं पाए? नहीं पहचाने नहीं, बाली भी था ना, एक कान का बायां साइड का बाली भी खींच लिया। नहीं पाई, पीछे वाला आगे वाला हेलमेट भी था, पीछे वाला बिना हेलमेट का था, उसको देखने से तब मैं पहचान जाऊंगी, जान पहचान का नहीं था। क्या नाम हुआ? अहिल्या कुमारी, शिक्षिका हूँ मैं, आदर्श मध्य विद्यालय। आपका घर कहाँ है? वार्ड नंबर 13। कहाँ से आ रहे थे आप? घर से आ रहे, पैदल ही आ रहे। रोजाना आते हैं पैदल? रोजाना पैदल आते हैं। आपको बता दें कि शिक्षिका ने कहा कि दो अज्ञात अपराधी आए बाइक पर सवार होकर, उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती उसके गले से चेन और एक कान से बाली चेन कर फरार हो गए। मामला संगीन है। अगर बिहार में छोटे छोटे शहरों में भी अगर चेन स्नैचर सक्रिय हो जाए तो फिर आखिर अपराध पर अंकुश लगाने वाली यह पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? अब इस मामले में मुरलीगंज पुलिस प्रशासन कैसे इस पर नकेल कसती है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद हम एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे और लेकर आएंगे ऐसी ही दिलचस्प खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि दिखाएंगे सच और कुछ नहीं।